नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे यम के मूवी फैक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की हमारे YouTube चैनल एम के मूवी फैक्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 2020 में रिलीज हुई फिल्म कुल्ली नंबर वन मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगा फिल्म कुल्ली नंबर वन मूवी को। दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह फिल्म भारत में बनी फिल्म है जो दोस्तों इस फिल्म को 1 मई 2020 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म को सुपरस्टार अभिनेता डेविड धवन की डायरेक्टर में बनी गई फिल्म है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन, सारा अली खान, परेश रावल जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। फिल्म में राजू कुल्ली कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में वरुण धवन सारा की पति का रोल निभाए हैं। वहीं दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान, सारा प्रताप सिंह नी रोजिया के रूप में जेफरी की बेटी अंजू की बहन और राजू की पत्नी का रोल निभाई है। जेफरी रोजिया के रूप में प्रेस रावल सारा और अंजू का पिता का रोल निभाए हैं। और जावेद जफरी पंडित त जय किशन सचिव जैक्सन के रूप में हैं। वही दोस्तों और बड़े स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में आप लोग के बीच देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है जिसे दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म का रनर टाइम 135 मिनट के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। फिल्म में वरुण धवन ने इंडो एशियन न्यू सर्विस के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि यह निर्माता भगनानी ने कहा कि डेविड धवन की तमिल फिल्म चिन्ना मपिलाई 1993 का रीमेक बनाना चाहते थे। अन्य स्रोत तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर वन 1991 को मूल कहानी बताते हैं। और फिल्म कंपेनियन के कार्तिक और केरामुल्लू का कहानी की कुल्ली नंबर वन 1995 चिन्ना मपिलाई की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों उसने कुल्ली नंबर वन 1991 से प्रेरणा ली थी। फिल्म की फिल्मांकन 8 अगस्त 2019 को बैंकॉक में शुरू किया गया था। और दोस्तों गोवा भारत में भी हुआ था। फिल्मांकन 23 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था। और दोस्तों इसे 1 मई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि दोस्तों सीओवीआईडी कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटक के रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ली से प्यार हो जाता है और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था।
आपने भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई में रह के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था। लेकिन दोस्तों, खान ने अभिनय की सराहना की थी और जबकि उसका मुक्कू मुक्कू क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है, तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है और यह विविध चेहरे दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें शानदार करार दिया था और केदारनाथ 1960 मिलियन US$12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और बॉस के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों, जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत हुई, तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कटेचा ने कहा है कि खान के पास लुभावनी सुंदर दिखने अलावा करने के लिए बहुत कम काम है। लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी US$50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्ट मेटामोटिक का एसो और एस्ट्रोडेसर्टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खान की अगली रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। सेबल चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन असमान है और निर्जयता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वन वेन की सोमिका सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 की लव आजकल के बाद नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन टीनो
में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मर्डर और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक का ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रा सोनाली उषा मेहता का किरदार निभाएगी, जो दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्स इंडिया की सेलिब्रिटी साइट की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों यूएस 7,20,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात किया है दोस्तों, फिल्म कुल्ली नंबर वन मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किसान सारा रोजिया के लिए भाभी दूल्हे का परिवार लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके पिता जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है तो दोस्तों उन्होंने जय किसान का अपमान किया है। जय किसान जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है, जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर वन का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की साजिश सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजु को दीपक से प्यार हो जाता है। जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है, जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है और दोस्तों उसे दूर भगा देता है। राजू राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के फैसला करती है ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुंडागर्दी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीत गोडबेला की स्थिति पर संदेह हो जाता है और वह
विश्वास करने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा राज एक ही व्यक्ति है, और आगे की समस्याओं को रोकने के लिए दीपक सुझाव देता है कि दोस्तों उसे राजू को मार देना चाहिए। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजू ने अपना कुल्ली नंबर 1 बैच 1 कार में फेंक दिया है, जिसे दोस्तों वह दीपक एक चट्टान से नीचे झील में धकेल देता है। और हालांकि जब कार बरामद हो गई तो लेकिन दोस्तों कोई शव नहीं मिला था, तो दोस्तों इंस्पेक्टर गोडबेला का संदेह पुष्ट हो गया था। महेश आनंद को उनके पिता महेंद्र ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण देख बेदखल कर दिया था और उस पर और राजू पर हमला करने के लिए महेश ने महेंद्र को चाकू मार दिया था। राजू को भी इसके लिए फिल्म फंसाया और इंस्पेक्टर गोडबेला उसके गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों राजू उसे सूचित करता है कि महेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और राजू दीपक के पास भागता है और दोनों महेंद्र की जान बचाने के लिए नर्स होने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही राजू की बेगुनाही की एकमात्र सबूत है। और अस्पताल में इंस्पेक्टर गोडबेला जफरी सारा और अंजू को बताता है कि राजू सिर्फ एक कुल्ली है जिसने कुंवर राज प्रताप सिंह होने का नाटक किया था। महेंद्र को बचाने की कोशिश में राजू और दीपक सारा और अंजू से टकरा गए। राजू सारा के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और वह उसे माफ कर देती है। जेफरी और सारा राजू और दीपक को महेश के महेंद्र की हत्या करने से रोकने के मदद करते हैं। और एक बार दोस्तों जब वह होश में आया तो महेंद्र ने घोषणा की थी कि चिंकू राजू ने उनकी जान बचाई, इसलिए दोस्तों वह उनके लिए एक बेटे की तरह अंजू ने भी दीपक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। जब दोस्तों जेफरी ने अपने दामादों के कुल्ली में मैकेनिक होने के बारे में रोता है तो दोस्तों जयकिशन आता है और जेफरी से कहता है कि इतने अहंकारी और अपने संपत्ति पर गर्व करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना तय था। जयकिशन बताते हैं कि यह खुशहाल शादी के लिए धन की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। और दोस्तों सारा अली खान अभिनेत्री और अभिनेता वरुण धवन के साथ दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद किए हैं। अभिनेता वरुण धवन यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड के मूवी में काम करते हैं। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया है। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। बाद में दोस्तों 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से प्रसिद्ध हुए और एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 ढीसम 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों वरुण धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो दोस्तों एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है।
भट्ट के सह कलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक शानदार जोड़ी के रूप में वर्णित किया गया था। जो दोस्तों निर्माता के रूप में कार्य करते थे, इंडिया टुडे के रोहित खिल्लानी ने उनकी स्क्रीनिंग और उपस्थिति की प्रशंसा की है। मिंटो की नंदनी रमानाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्य में वह कितने अलग दिखेंगे। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रतिष्ठियों में से एक बनकर उभरी है, जिसने दोस्तों दुनिया भर में 1.11 बिलियन यानी US$14 मिलियन की कलेक्शन किया था। डायरेक्टर श्री राम राघव की कर्रायथिला बदलापुर 2015 में वरुण धवन ने रघु नामक के पिता की भूमिका निभाई है। जो दोस्तों 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी बेटे की हत्या का बदला लेता है। रघु का किरदार निभाकर धवन के लिए एक भयानक अनुभव था। जो दोस्तों आशावाद में चले गए, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल और आकर्षण छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बताती हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला है। धवन ने डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया था, जिसे दोस्तों उन्होंने किंग यूनाइटेड के साथ व्यापक और सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के रूप में अभिनय किया है। जो दोस्तों मुंबई का एक नाटक था, जिसने दोस्तों 2012 में विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी और राठौर को अल्लोच को द्वारा शिल्पा जामखंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की है। और दोस्तों वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। उसी वर्ष वरुण धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान, काजोल और कीर्ति सेनन सह कलाकार थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। और समीक्षकों से मिले जुले समीक्षा के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई है। दुनिया भर में दोस्तों 3.75 बिलियन यानी US$47 मिलियन के अधिक की कमाई के साथ जो दोस्तों धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई है। और दोस्तों 2018 की बात की जाए तो दोस्तों वरुण धवन ने दो रिलीज हुई सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर, शरद शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धग्गा, सरकार की नियमित सहयोगी की जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्मीहीन होटल प्रबंधक प्रशिक्षक दानिश और वालिया का किरदार निभाया है। जिसके बाद दोस्तों जीवन के कई बदलाव आते हैं, और जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेटिकेट ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वेगर और ट्रेडमार्क क्यूंटेंस को प्रभावित करने के लिए एक धवन की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम के लिए रोहित वत्स ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लिखा कि उनका हास्य
जम्मा जम जन्मजात है, लेकिन दोस्तों दत्त के बारे में उनकी सजा और यह मानव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और दोस्तों वह सभी बेहतर हैं सुविधा गमे धवन और अनुष्का शर्मा के क्रमश मौजी और ममता की अनुभूमिका निभाए, जो दोस्तों ग्रामीण भारत में एक नव विवाहित जोड़ा है। जो दोस्तों अपने छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करते हैं और मिंटा की उद्यता झुनझुन वाला ने समीक्षा की थी। धवन ने एक असाधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खाका तैयार किए कर लिया है। वह दोस्तों मौसी में भी वैसे ही भोलापन लाते हैं और भले ही वह आकर्षक होते हैं। अक्टूबर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। 2019 में दोस्तों वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीनिंग उपस्थिति अभिषेक वर्णन की प्रिय ड्रामा कथल कलंक में थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने पहली बार फिल्म भट्ट के साथ जो जोड़ा गया था। 1940 के दशक में भारत विभाजन से पहले पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया है। इस भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट में हैम स्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। और NDTV के सेवल चटर्जी ने इसमें धवन की विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहना की थी। वहीं दोस्तों धवन ने एक नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म एस्टिन डांसर 3D 2020 से जिसे द हिंदू की नम्रता जोशी ने अभिवाचक प्रदर्शनों का संकलन कहा था। अली खान प्रेस रावल जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। फिल्म में राजू कुल्ले कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में वरुण धवन सारा की पति का रोल निभाए हैं। वहीं दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान सारा प्रताप सिंह ने रोजिया के रूप में जेफरी की बेटी अंजू की बहन और राजू की पत्नी का रोल निभाई है। जेफरी रोजिया के रूप में प्रेस रावल सारा और अंजू का पिता का रोल निभाए हैं और जावेद जाफरी पंडित तो जय किशन सचिव जैक्सन के रूप में हैं। वहीं दोस्तों और बड़े स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में आप लोग के बीच देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है, जिसे दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म का रनर टाइम 135 मिनट के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। फिल्म में वरुण धवन ने इंडो एशियन न्यू सर्विस के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि यह मंत्री यह निर्माता भगनानी ने कहा कि डेविड धवन की तमिल फिल्म चिन्ना मपिलाई 1993 का रीमेक बनाना चाहते थे। अन्य स्रोत तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर 1 1991 को मूल कहानी बताते हैं और फिल्म कंपेनियन के कार्तिक और केरा मुल्लु का कहानी की कुल्ली नंबर 1 1995 चिन्ना मपिलाई की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों उसने कुल्ली नंबर 1 1991 से प्रेरणा ली थी। फिल्म की फिल्मांकन 8 अगस्त 2019 को बैंकॉक में शुरू किया गया था और दोस्तों गोवा भारत में भी हुआ था। फिल्मांकन 23 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था और दोस्तों इसे 1 मई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि दोस्तों COVID-19 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटक के रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था।
फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ, जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है, जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ली से प्यार हो जाता है और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अपनी भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था, लेकिन दोस्तों खान ने अभिनय की सराहना की थी और जबकि उसका मुक्कु क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है, तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है और यह विविध चेहरे दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें शानदार करार दिया था और केदारनाथ 1960 मिलियन US 12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और वर्ष के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ 6 हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत तो हुई तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कोटेचा ने कहा है कि खान के पास लुभावनी सुंदर दिखने अलावा करने के लिए बहुत कम काम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी US 50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्ट मेटामोटिक का और एस्ट्रोडेसर्टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा
में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खांती अगले रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। शैबर चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन आसमान है और निर्जरता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वॉन वेन की सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 की लव आजकल के बाद नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन टीनो में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मॉडल और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक का ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का किरदार निभाएगी, जो दोस्तों एमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों US 72,000 720,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात की जाए दोस्तों, फिल्म कुल्ली नंबर 1 मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किसान सारा रोजिया के लिए भाभी दूल्हे का परिवार लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके पिता जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है तो दोस्तों उन्होंने जय किसान का अपमान किया है। जय किसान जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है, जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर 1 का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की शादी सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार ओवर राज प्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजू को दीपक से प्यार हो जाता है। जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है।
और दोस्तों उसे दूर भगा देता है राजू। राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा, जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के फैसला करती है, ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुंडागर्दी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीत गोडबोले की स्थिति पर संदेह हो जाता है और वह विश्वास करने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा राज एक ही व्यक्ति है, और आगे की समस्याओं को रोकने के लिए दीपक सुझाव देता है कि दोस्तों उसे राजू को मार देना चाहिए। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजू ने अपना कुल्ली नंबर 1 बैच एक कार में फेंक दिया है, जिसे दोस्तों वह दीपक एक चट्टान से नीचे झील में धकेल देता है। और हालांकि जब कार बरामद हो गई तो लेकिन दोस्तों कोई शव नहीं मिला था, तो दोस्तों इंस्पेक्टर गोडबेला का संदेह पुष्ट हो गया था। महेश आनंद को उनके पिता महेंद्र ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण बेदखल कर दिया था और राजू पर हमला करने के लिए महेश ने महेंद्र को चाकू मार दिया था। राजू को भी इसके लिए फिल्म फंसाया और इंस्पेक्टर गोडबेला उसके गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों राजू उसे सूचित करता है कि महेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और राजू दीपक के पास भागता है और दोनों महेंद्र की जान बचाने के लिए नर्स होने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही राजू की बेगुनाही की एकमात्र सबूत है। और अस्पताल में इंस्पेक्टर गोडबेले जफरी सारा और अंजू को बताता है कि राजू सिर्फ एक कुल्ली है जिसने कुंवर राज प्रताप सिंह होने का नाटक किया था। महेंद्र को बचाने की कोशिश में राजू और दीपक सारा और अंजू से टकरा गए। राजू सारा के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और वह उसे माफ कर देती है। जेफरी और सारा राजू और दीपक को महेश के महेंद्र की हत्या करने से रोकने के मदद करते हैं। और एक बार दोस्तों जब वह होश में आया तो महेंद्र ने घोषणा की थी कि चिंकू राजू ने उनकी जान बचाई, इसलिए दोस्तों वह उनके लिए एक बेटे की तरह अंजू ने भी दीपक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। जब दोस्तों जेफरी ने अपने दामादों के कुल्ली में मैकेनिक होने के बारे में रोता है, तो दोस्तों जयकिशन आता है और जेफरी से कहता है कि इतने अहंकारी और अपनी संपत्ति पर गर्व करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना तय था। जयकिशन बताते हैं कि यह खुशहाल शादी के लिए धन की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। और दोस्तों सारा अली खान अभिनेत्री और अभिनेता वरुण धवन के साथ दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद किए हैं। अभिनेता वरुण धवन यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड के मूवी में काम करते हैं।
फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया है। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में दोस्तों 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से प्रसिद्ध हुए और एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 ढीसम 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों वरुण धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो दोस्तों एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सह कलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक शानदार जोड़ी के रूप में वर्णित किया गया था, जो दोस्तों निर्माता के रूप में कार्य करते थे। इंडिया टुडे के रोहित खिल्लानी ने उनकी स्क्रीनिंग और उपस्थिति की प्रशंसा की है। मिंटो के नंदनी रमन था रमनाथ ने नोटिस किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्य में वह कितने अलग दिखेंगे। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रतिष्ठियों में से एक बनकर उभरी है, जिसने दोस्तों दुनिया भर में 1.11 बिलियन यानी US$14 मिलियन की कलेक्शन किया था। डायरेक्टर श्री राम राघव की कर्रायथिला बदलापुर 2015 में वरुण धवन ने रघु नामक की पिता की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी बेटे की हत्या का बदला लेता है। रघु का किरदार निभाकर धवन के लिए एक भयानक अनुभव था, जो दोस्तों आशावाद में चले गए, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Reddit.com के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल और आकर्षण छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बताती हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला है। धवन ने डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया था, जिसे दोस्तों उन्होंने किंग यूनाइटेड के साथ व्यापक और सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के रूप में अभिनय किया है। जो दोस्तों मुंबई का एक नाटक था, जिसने दोस्तों 2012 में विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी और राठौर को अल्लोच को द्वारा शिल्पा जामखंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की है। और दोस्तों वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। उसी वर्ष वरुण धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान, काजोल और कीर्ति सेनन सह कलाकार थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। और समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई है। दुनिया भर में दोस्तों 3.75 बिलियन यानी US$47 मिलियन के अधिक की कमाई के साथ जो दोस्तों धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई है। और दोस्तों 2018 की बात की जाए तो दोस्तों वरुण धवन ने दो रिलीज हुई सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर
शरद का कार्यम की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धागा सरकार की नियमित सहयोगी की जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित। अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्मीहीन होटल प्रबंधक प्रशिक्षक दानिश और वालिया का किरदार निभाया है, जिसके बाद दोस्तों जीवन के कई बदलाव आते हैं। और जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम वेटिकेट ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वेगर और ट्रेडमार्क क्यूंटेंस को प्रभावित करने के लिए एक धवन की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम के लिए रोहित वत्स ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दोस्तों दर्द के बारे में उनकी सजा और यह मानव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और दोस्तों वह सभी बेहतर है सुई धागा में धवन और अनुष्का शर्मा के क्रमश मौजी और ममता की अनुभूमिका निभाए, जो दोस्तों ग्रामीण भारत में एक नव विवाहित जोड़ा है, जो दोस्तों अपने छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करते हैं। और मिंटा की उद्यता झुनझुन वाला ने समीक्षा की थी। धवन ने एक असाधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खाका तैयार किए कर लिया है। वह दोस्तों मौसी में भी वैसे ही भोलापन लाते हैं और भले ही वह आकर्षक होते हैं। अक्टूबर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। 2019 में दोस्तों वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीनिंग उपस्थिति अभिषेक वर्णन की प्रिय ड्रामा कद्दल कलंक में थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने पहली बार फिल्म भट्ट के साथ जो जोड़ा गया था। 1940 के दशक में भारत विभाजन से पहले पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया है। इस भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट में हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। और NDTV के सेवल चटर्जी ने इसमें धवन की विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहना की थी। वहीं दोस्तों धवन ने एक नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म एस्ट्रीन डांसर 3D 2020 से जी से द हिंदू की नम्रता जोशी ने अभिवाचक प्रदर्शनों का संकलन कहा था। सुपरस्टार अभिनेता डेविड धवन की डायरेक्टर में बनी गई फिल्म है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन, सारा अली खान, परेश रावल जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। फिल्म में राजू कुल्ली कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में वरुण धवन सारा की पति का रोल निभाए हैं। वहीं दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान सारा प्रताप सिंह नी रोजिया के रूप में जेफरी की बेटी अंजू की बहन और राजू की पत्नी का रोल निभाई है। जेफरी रोजिया के रूप में परेश रावल सारा और अंजू का पिता का रोल निभाए हैं। और जावेद जाफरी पंडित जय किशन सचिव जैक्सन के रूप में हैं। वही दोस्तों और बड़े स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में आप लोग के बीच देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है, जिसे दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म का रनर टाइम 135 मिनट के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। फिल्म में वरुण धवन ने इंडो एशियन न्यू सर्विस के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में
कहा कि यह मंत्री यह निर्माता भगनानी, और भगनानी ने कहा कि डेविड धवन की तमिल फिल्म चिन्ना मपिलाई 1993 का रीमेक बनाना चाहते थे। अन्य स्रोत तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर 1 1991 को मूल कहानी बताते हैं, और फिल्म कंपेनियन के कार्तिक और केरामुल्लू का कहानी की कुल्ली नंबर 1 1995 चिन्ना मपिलाई की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों उसने कुल्ली नंबर 1 1991 से प्रेरणा ली थी। फिल्म की फिल्मांकन 8 अगस्त 2019 को बैंकॉक में शुरू किया गया था, और दोस्तों गोवा भारत में भी हुआ था। फिल्मांकन 23 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था, और दोस्तों इसे 1 मई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि दोस्तों COVID-19 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी, और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ, जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है, जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ली से प्यार हो जाता है, और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अपनी भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था, और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था। लेकिन दोस्तों खान ने अभिनय की सराहना की थी, और जबकि उसका मुक्कु क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है, तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है, और यह विविध चेहरे दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें शानदार करार दिया था, और केदारनाथ 1960 मिलियन US 12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और बॉस के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत हुई, तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कोटेचा ने कहा कि खान के पास सुंदर दिखने अलावा
करने के लिए बहुत कम काम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी US 50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्टर मेटामोटिक और एस्ट्रोडेसर टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खान की अगली रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। सेवल चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन आसमान है और निजता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वन वेन की सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 के लव आजकल के बाद नाटक के रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन टीनो में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मॉडल और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक का ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रता सोनाली उषा मेहता का किरदार निभाएगी, जो दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्स इंडिया की सेलिब्रिटी साइट की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों US 7,20,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात किया है दोस्तों, फिल्म कुल्ली नंबर 1 मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किसान सारा रोजिया के लिए भाभी दुल्हे का परिवार लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके पिता जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है तो दोस्तों उन्होंने जय किसान का अपमान किया है। जय किसान जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है, जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर 1 का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की शादी सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर राजप्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजू को दीपक से प्यार हो जाता है।
जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है, जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है, और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है, और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है और दोस्तों उसे दूर भगा देता है। राजू राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा, जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के फैसला करती है, ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुनासुदागी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीत गोडबेला की स्थिति पर संदेह हो जाता है और वह विश्वास करने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा राज एक ही व्यक्ति है, और आगे की समस्याओं को रोकने के लिए दीपक सुझाव देता है कि दोस्तों उसे राजू को मार देना चाहिए। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजू ने अपना कुल्ली नंबर 1 बैच 1 कार में फेंक दिया है, जिसे दोस्तों वह दीपक एक चट्टान से नीचे झील में धकेल देता है। और हालांकि जब कार बरामद हो गई तो लेकिन दोस्तों कोई शव नहीं मिला था, तो दोस्तों इंस्पेक्टर गोडबेला का संदेह पुष्ट हो गया था। महेश आनंद को उनके पिता महेंद्र ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण देख बेदखल कर दिया था और उस पर और राजू पर हमला करने के लिए महेश ने महेंद्र को चाकू मार दिया था। राजू को भी इसके लिए फिल्म फंसाया और इंस्पेक्टर गोडबेला उसके गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन दोस्तों राजू उसे सूचित करता है कि महेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और राजू दीपक के पास भागता है और दोनों महेंद्र की जान बचाने के लिए नर्स होने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही राजू की बेगुनाही की एकमात्र सबूत है। और अस्पताल में इंस्पेक्टर गोडबेला जफरी सारा और अंजू को बताता है कि राजू सिर्फ एक कुल्ली है जिसने कुंवर राज प्रताप सिंह होने का नाटक किया था। महेंद्र को बचाने की कोशिश में राजू और दीपक सारा और अंजू से टकरा गए। राजू सारा के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और वह उसे माफ कर देती है। जेफरी और सारा राजू और दीपक को महेश के महेंद्र की हत्या करने से रोकने के मदद करते हैं
और एक बार दोस्तों जब वह होश में आया तो महेंद्रा ने घोषणा की थी कि चिंकू राजू ने उनकी जान बचाई, इसलिए दोस्तों वह उनके लिए एक छोटे की एक बेटे की तरह अंजू ने भी दीपक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। जब दोस्तों जेफरी ने अपने दामादों के कुल्ली में मैकेनिक होने के बारे में रोता है तो दोस्तों जैकिसन आता है और जेफरी से कहता है कि इतने अहंकारी और अपनी संपत्ति पर गौरव करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना तय था। जयकिशन बताते हैं कि यह खुशहाल शादी के लिए धन की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। और दोस्तों सारा अली खान अभिनेत्री और अभिनेता वरुण धवन के साथ दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद किए हैं। अभिनेता वरुण धवन यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया है। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में दोस्तों 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से प्रसिद्ध हुए और एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 ढीसम 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों वरुण धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई जो दोस्तों एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सह कलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था जो दोस्तों निर्माता के रूप में कार्य करते थे। इंडिया टुडे के रोहित खिल्लानी ने उनकी स्क्रीनिंग और उपस्थिति की प्रशंसा की है। मिंटो की नंदनी रमन था रमन्नाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्य में वह कितने अलग दिखेंगे। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रतिष्ठियों में से एक बनकर उभरी है जिसने दोस्तों दुनिया भर में 1.11 बिलियन यानी US$14 मिलियन की कलेक्शन किया था। डायरेक्टर श्री राम राघव की कर्रायथिला बदलापुर 2015 में वरुण धवन ने रघु नामक के एक पिता की भूमिका निभाई है जो दोस्तों 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी बेटे की हत्या का बदला लेता है। रघु का किरदार निभाकर धवन के लिए एक भयानक अनुभव था जो दोस्तों आशावाद में चले गए क्योंकि दोस्तों वह एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Reddit.com के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल और आकर्षण छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बताती हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला है। धवन ने डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया था जिसे दोस्तों उन्होंने किंग यूनाइटेड के साथ व्यापक और सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के रूप में अभिनय किया है जो दोस्तों मुख्य
तो दोस्तों मुंबई का एक नाटक था जिसने दोस्तों 2012 में विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी और राडास को अल्लोच को द्वारा शिल्पा जाम्बा खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की है। और दोस्तों वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। उसी वर्ष वरुण धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान, काजोल और कृति सेनन सह कलाकार थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। और समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई है। दुनिया भर में दोस्तों 3.75 बिलियन यानी US 47 मिलियन के अधिक की कमाई के साथ जो दोस्तों धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई है। और दोस्तों 2018 की बात की जाए तो दोस्तों वरुण धवन ने दो रिलीज हुई सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर, शरद शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धग्गा, सरकार की नियमित सहयोगी की जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्मीहीन होटल प्रबंधक प्रशिक्षक दानिश और बालिया का किरदार निभाया है, जिसके बाद दोस्तों जीवन के कई बदलाव आते हैं। और जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम वेदिकेट ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वेगर और ट्रेडमार्क क्यूटेंस को प्रभावित करने के लिए एक धवन की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम के लिए रोहित वत्स ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दोस्तों दर्द के बारे में उनकी सजा और यह मानव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और दोस्तों वह सभी बेहतर हैं सुई धग्गा में धवन और अनुष्का शर्मा के क्रमश मौजी और ममता की अनुभूमिका निभाई, जो दोस्तों ग्रामीण भारत में एक नव विवाहित जोड़ा है जो दोस्तों अपने छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करते हैं। और मिंटा की उद्यमिता झुनझुन वाला ने समीक्षा की थी, धवन ने एक असाधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए थक्का तैयार किए कर लिया है। वह दोस्तों मौसी में भी वैसे ही भोलापन लाते हैं और भले ही वह आकर्षक होते हैं। अक्टूबर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। 2019 में दोस्तों वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति अभिषेक वर्णन की प्रिय ड्रामा कद्दल कलंक में थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने पहली बार फिल्म भट्ट के साथ जो जोड़ा गया था। 1940 के दशक में भारत विभाजन से पहले पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया है। इस भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट में हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। और NDTV के सेवल चटर्जी ने इसमें धवन की विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहना की थी। वहीं दोस्तों धवन ने एक नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म एस्टीन डांसर 3D 2020 की 2020 से जिसे द हिंदू की नम्रता जोशी ने अभिवाचक प्रदर्शनों का संकलन कहा था। धवन, सारा अली खान, परेश रावल जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है।
फिल्म में राजू कुल्ली कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में वरुण धवन सारा की पति का रोल निभाए हैं। वहीं दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान सारा प्रताप सिंह नी रोजिया के रूप में सैफी की बेटी अंजू की बहन और राजू की पत्नी का रोल निभाई है। जेफरी रोजिया के रूप में प्रेस रावल सारा और अंजू का पिता का रोल निभाए हैं और जावेद जफरी पंडित जय किशन सचिव जैक्सन के रूप में हैं। वहीं दोस्तों और बड़े स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में आप लोग के बीच देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है जिसे दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म का रनर टाइम 1 से 35 मिनट के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। फिल्म में वरुण धवन ने इंडो एशियन न्यूज सर्विस के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि यह मंत्री यह निर्माता भगनानी ने कहा कि डेविड धवन की तमिल फिल्म चिन्ना मपिलाई 1993 का रीमेक बनाना चाहते थे। अन्य स्रोत तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर 1 1991 को मूल कहानी बताते हैं और फिल्म कंपेनियन के कार्तिक और केरा मुल्लू का कहानी की कुल्ली नंबर 1 1995 चिन्ना मपिलाई की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों उसने कुल्ली नंबर 1 1991 से प्रेरणा ली थी। फिल्म की फिल्मांकन 8 अगस्त 2019 को बैंकॉक में शुरू किया गया था और दोस्तों गोवा भारत में भी हुआ था। फिल्मांकन 23 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था और दोस्तों इसे 1 मई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि दोस्तों COVID-19 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ले से प्यार हो जाता है और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अपनी भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था। लेकिन दोस्तों खान ने अभिनय की सराहना की थी और जबकि उसका मुक्कु क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है और यह विविध चेहरे दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें
संदार करार दिया था और केदारनाथ 1960 मिलियन US 12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और वर्ष के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ 6 हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत हुई तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कोटेचा ने कहा है कि खान के पास लुभावनी सुंदर दिखने अलावा करने के लिए बहुत कम काम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी US 50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्ट मेट्रामोटिक और एस्ट्रोडेसर्टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खान की अगली रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। सेवल चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन असमान है और निजता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वन वेन की सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 के लव आजकल के बाद नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन टीनो में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मर्डर और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रा सोनाली उषा मेहता का किरदार निभाएगी, जो दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों US 72,000 7,20,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात किया है दोस्तों, फिल्म कुल्ली नंबर 1 मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किशन सारा रोजिया के लिए भाभी दुल्हे का परिवार लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके पिता जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है तो दोस्तों उन्होंने जय किशन का अपमान किया है।
जय किशन जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है, जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर 1 का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है, तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की सारी सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजू को दीपक से प्यार हो जाता है। जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है, तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है, जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है, और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है और दोस्तों उसे दूर भगा देता है। राजू राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा, जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के फैसला करती है, ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुंडागर्दी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीत गोडबोले की स्थिति पर संदेह हो जाता है और वह विश्वास करने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा राज एक ही व्यक्ति है और आगे की समस्याओं को रोकने के लिए दीपक सुझाव देता है कि दोस्तों उसे राजू को मार देना चाहिए। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजू ने अपना कुल्ली नंबर 1 बैच एक कार में फेंक दिया है, जिसे दोस्तों वह दीपक एक चट्टान से नीचे झील में धकेल देता है। और हालांकि जब कार बरामद हो गई तो लेकिन दोस्तों कोई शव नहीं मिला था, तो दोस्तों इंस्पेक्टर गोडबेला का संदेह पुष्ट हो गया था। महेश आनंद को उनके पिता महेंद्र ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण बेदखल कर दिया था और राजू पर हमला करने के लिए महेश ने महेंद्र को चाकू मार दिया था। राजू को इससे
राजू को भी इसके लिए फिल्म फंसाया और इंस्पेक्टर गोडबेला उसके गिरफ्तार करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों राजू उसे सूचित करता है कि महेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और राजू दीपक के पास भागता है और दोनों महेंद्र की जान बचाने के लिए नर्स होने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही राजू की बेगुनाही की एकमात्र सबूत है। और अस्पताल में इंस्पेक्टर गोडबेला जफरी सारा और अंजू को बताता है कि राजू सिर्फ एक कुल्ली है जिसने कुंवर राज प्रताप सिंह होने का नाटक किया था। महेंद्र को बचाने की कोशिश में राजू और दीपक सारा और अंजू से टकरा गए। राजू सारा के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और वह उसे माफ कर देती है। जेफरी और सारा राजू और दीपक को महेश के महेंद्र की हत्या करने से रोकने के मदद करते हैं। और एक बार दोस्तों जब वह होश में आया तो महेंद्र ने घोषणा की थी कि चिंकू राजू ने उनकी जान बचाई, इसलिए दोस्तों वह उनके लिए एक बेटे की तरह अंजू ने भी दीपक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। जब दोस्तों जेफरी ने अपने दामादों के कुल्ली में मैकेनिक होने के बारे में रोता है तो दोस्तों जय किशन आता है और जेफरी से कहता है कि इतने अहंकारी और अपने संपत्ति पर गर्व करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना तय था। जय किशन बताते हैं कि यह खुशहाल शादी के लिए धन की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। और दोस्तों सारा अली खान अभिनेत्री और अभिनेता वरुण धवन के साथ दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों काफ़ी पसंद किए हैं। अभिनेता वरुण धवन यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड की मूवी में काम करते हैं। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया है। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। बाद में दोस्तों 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से प्रसिद्ध हुए और एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015, ढीसम 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों वरुण धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो दोस्तों एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सह कलाकार फिल्म और फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक शानदार जोड़ी के रूप में वर्णित किया गया था, जो दोस्तों निर्माता के रूप में कार्य करते थे। इंडिया टुडे के रोहित खिल्लानी ने उनकी स्क्रीनिंग और उपस्थिति की प्रशंसा की है। मिंट के नंदनी रमानाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्य में वह कितने अलग दिखेंगे। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रतिष्ठियों में से एक बनकर उभरी है, जिसने दोस्तों दुनिया भर में 1.11 बिलियन यानी US$14 मिलियन की कलेक्शन किया था। डायरेक्टर श्री राम राघव की कर्रायथिला बदलापुर 2015 में वरुण धवन ने रघु नामक के पिता की भूमिका निभाई है।
जो दोस्तों 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी बेटे की हत्या का बदला लेता है, रघु का किरदार निभाकर धवन ने धवन के लिए एक भयानक अनुभव था। जो दोस्तों आशावाद में चले गए, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल और आकर्षण छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बताती हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला है। धवन ने डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया था, जिसे दोस्तों उन्होंने किंग यूनाइटेड के साथ व्यापक और सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के रूप में अभिनय किया है। जो दोस्तों मुंबई का एक नाटक था, जिसने दोस्तों 2012 में विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी और राठौर को अल्लोच को द्वारा शिल्पा जाम्बा खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की है। और दोस्तों वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। उसी वर्ष वरुण धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान, काजोल और कीर्ति सेनन सह कलाकार थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। और समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई है। दुनिया भर में दोस्तों 3.75 बिलियन यानी US$47 मिलियन के अधिक की कमाई के साथ जो दोस्तों धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई है। और दोस्तों 2018 की बात की जाए तो दोस्तों वरुण धवन ने दो रिलीज हुई सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर, शरद शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धागा, सरकार की नियमित सहयोगी की जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्मीहीन होटल प्रबंधक प्रशिक्षक दानिश और वालिया का किरदार निभाया है, जिसके बाद दोस्तों जीवन के कई बदलाव आते हैं। और जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम वेटिकेट ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वेगर और ट्रेडमार्क क्यूटेंस को प्रभावित करने के लिए एक धवन की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम के लिए रोहित वत्स ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दोस्तों दर्द के बारे में उनकी सजा और यह मानव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और दोस्तों वह सभी बेहतर हैं सुई धागा में धवन और अनुष्का शर्मा के क्रमश मौजी और ममता की अनुभूमिका निभाए, जो दोस्तों ग्रामीण भारत में एक नव विवाहित जोड़ा है। जो दोस्तों अपने छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करते हैं और मिंटा की उद्यता झुनझुन वाला ने समीक्षा की थी। धवन ने एक असाधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खाका तैयार किए कर लिया है। वह दोस्तों मौसी में भी वैसे ही भोलापन लाते हैं और भले ही वह आकर्षक होते हैं। अक्टूबर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला है।
2019 में दोस्तों वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीनिंग उपस्थिति अभिषेक वर्णन की प्रिय ड्रामा कद्दल कलंक में थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने पहली बार फिल्म भट्ट के साथ जो जोड़ा गया था। 1940 के दशक में भारत विभाजन से पहले पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया है। इस भूमिका के शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट में हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है और अपने स्टंट स्वयं करने पर जोर दिया। और NDTV के सेवल चटर्जी ने इसमें धवन की विपरीत प्रकार के प्रदर्शन की सराहना की थी। वहीं दोस्तों धवन ने एक नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म एस्टिन डांसर 3D 2020 से द हिंदू की नम्रता जोशी ने अभिवाचक प्रदर्शनों का संकलन कहा था। पर वन मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ YouTube पर देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह फिल्म भारत में बनी फिल्म है जो दोस्तों इस फिल्म को 1 मई 2020 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म को सुपरस्टार अभिनेता डेविड धवन की डायरेक्टर में बनी गई फिल्म है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन, सारा अली खान, परेश रावल जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। फिल्म में राजू कुल्ली कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में वरुण धवन सारा की पति का रोल निभाए हैं। वहीं दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान सारा प्रताप सिंह नी रोजिया के रूप में जेफरी की बेटी अंजू की बहन और राजू की पत्नी का रोल निभाई है। जेफरी रोजिया के रूप में प्रेस रावल सारा और अंजू का पिता का रोल निभाए हैं और जावेद जफरी पंडित त जय किशन सचिव जैक्सन के रूप में हैं। वहीं दोस्तों और बड़े स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में आप लोग के बीच देखने को नजर आने वाले हैं। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है जिसे दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म का रनर टाइम 135 मिनट के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों यह एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। फिल्म में वरुण धवन ने इंडो एशियन न्यू सर्विस के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि भगनानी ने कहा कि डेविड धवन की तमिल फिल्म चिन्ना मपिलाई 1993 का रीमेक बनाना चाहते थे। अन्य स्रोत तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर 1 1991 को मूल कहानी बताते हैं और फिल्म कंपेनियन के कार्तिक और केरा मुल्लु का कहानी की कुल्ली नंबर 1 1995 चिन्ना मपिलाई की रीमेक थी। लेकिन दोस्तों उसने कुल्ली नंबर 1 1991 से प्रेरणा ली थी। फिल्म की फिल्मांकन 8 अगस्त 2019 को बैंकॉक में शुरू किया गया था और दोस्तों गोवा भारत में भी हुआ था। फिल्मांकन 23 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था और दोस्तों इसे 1 मई 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि दोस्तों COVID-19 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटक के रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है।
कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्थित इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ, जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है, जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ली से प्यार हो जाता है और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अपनी भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई में रह के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था, लेकिन दोस्तों खान ने अभिनय की सराहना की थी और जबकि उसका मुक्कु क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है, तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है और यह विविध चेहरे दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें शानदार करार दिया था और केदारनाथ 1960 मिलियन यूएस 12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और वर्ष के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत तो हुई, तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कटेचा ने कहा है कि खान के पास लुभावनी सुंदर दिखने अलावा करने के लिए बहुत कम काम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी यूएस 50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्ट मेट्रामोटिक का एसो और एस्ट्रोडेसर्टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खान की अगली रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। सैबल चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन आसमान है और
निर्जरता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वॉन वेन की सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 की लव आजकल के बाद नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन टीनो में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मर्डर और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक का ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रा सोनाली उषा मेहता का किरदार निभाएगी जो दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्स इंडिया की सेलिब्रिटी शो की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों यूएस 7,20,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात किया दोस्तों फिल्म कुल्ली नंबर वन मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किसान सारा रोजिया के लिए भाभी दुल्हे का परिवार लेकर आते हैं लेकिन दोस्तों जब उसके पिता जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है तो दोस्तों उन्होंने जय किशन का अपमान किया है। जय किशन जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर वन का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की साजिश सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजू को दीपक से प्यार हो जाता है। जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है और दोस्तों उसे दूर भगा देता है। राजू राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा जिसे उसके पिता ने शराब पीने और चूहे की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के
फैसला करती है ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुनासुदागी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीत गोडबेला की स्थिति पर संदेह हो जाता है और वह विश्वास करने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा राज एक ही व्यक्ति है और आगे की समस्याओं को रोकने के लिए दीपक सुझाव देता है कि दोस्तों उसे राजू को मार देना चाहिए। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजू ने अपना कुल्ली नंबर 1 बैच 1 कार में फेंक दिया है जिसे दोस्तों वह दीपक एक चट्टान से नीचे झील में धकेल देता है। और हालांकि जब कार बरामद हो गई तो लेकिन दोस्तों कोई शव नहीं मिला था तो दोस्तों इंस्पेक्टर गोडबेला का संदेह पुष्ट हो गया था। महेश आनंद को उनके पिता महेंद्र ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण बेदखल कर दिया था और राजू पर हमला करने के लिए महेश ने महेंद्र को चाकू मार दिया था। राजू को भी इसके लिए फिल्म फंसाया और इंस्पेक्टर गोडबेला उसके गिरफ्तार करने के लिए आता है लेकिन दोस्तों राजू उसे सूचित करता है कि महेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और राजू दीपक के पास भागता है और दोनों महेंद्र की जान बचाने के लिए नर्स होने का नाटक करने की योजना बनाते हैं क्योंकि दोस्तों यही राजू की बेगुनाही की एकमात्र सबूत है। और अस्पताल में इंस्पेक्टर गोडबेला जफरी सारा और अंजू को बताता है कि राजू सिर्फ एक कुल्ली है जिसने कुंवर राज प्रताप सिंह होने का नाटक किया था। महेंद्र को बचाने की कोशिश में राजू और दीपक सारा और अंजू से टकरा गए। राजू सारा के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और वह उसे माफ कर देती है। जेफरी और सारा राजू और दीपक को महेश के महेंद्र की हत्या करने से रोकने के मदद करते हैं। और एक बार दोस्तों जब वह होश में आया तो महेंद्र ने घोषणा की थी कि चिंकू राजू ने उनकी जान बचाई इसलिए दोस्तों वह उनके लिए एक बेटे की तरह अंजू ने भी दीपक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। जब दोस्तों जेफरी ने अपने दामादों के कुल्ली में मैकेनिक होने के बारे में रोता है तो दोस्तों जयकिशन आता है और जेफरी से कहता है कि इतने अहंकारी और अपनी संपत्ति पर गर्व करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना तय था। जय किशन बताते हैं कि यह खुशहाल शादी के लिए धन की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। और दोस्तों सारा अली खान अभिनेत्री और अभिनेता वरुण धवन के साथ दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद किए हैं। अभिनेता वरुण धवन यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों बॉलीवुड के मूवी में काम करते हैं। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया है। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में दोस्तों सहायक
बाद में दोस्तों 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से प्रसिद्ध हुए और एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 ढीसम 2016 जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसके बाद दोस्तों वरुण धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो दोस्तों एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सह कलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक शानदार जोड़ी के रूप में वर्णित किया गया था, जो दोस्तों निर्माता के रूप में कार्य करते थे। इंडिया टुडे के रोहित खिल्लानी ने उनकी स्क्रीनिंग और उपस्थिति की प्रशंसा की है। मिंटो के नंदनी रमन था रमनाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्य में वह कितने अलग दिखेंगे। हम्पी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रतिष्ठियों में से एक बनकर उभरी है, जिसने दोस्तों दुनिया भर में 1.11 बिलियन यानी US$14 मिलियन की कलेक्शन किया था। डायरेक्टर श्री राम राघव की कराथिला बदलापुर 2015 में वरुण धवन ने रघु नामक के एक पिता की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी बेटे की हत्या का बदला लेता है। रघु का किरदार निभाकर धवन के लिए एक भयानक अनुभव था, जो दोस्तों आशावाद में चले गए, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल और आकर्षण छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्राकृतिक पसंद को नहीं और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बताती हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला है। धवन ने डांस फिल्म ABCD2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया था, जिसे दोस्तों उन्होंने किंग यूनाइटेड के साथ व्यापक और सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के रूप में अभिनय किया है। जो दोस्तों मुंबई का एक नाटक था, जिसने दोस्तों 2012 में विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी और राडास को अल्लोच को द्वारा शिल्पा जाम्मा खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की है। और दोस्तों वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। उसी वर्ष वरुण धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान, काजोल और कीर्ति सेनन सह कलाकार थे, जिसमें दोस्तों उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। और समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई है। दुनिया भर में दोस्तों 3.75 बिलियन यानी US$47 मिलियन के अधिक की कमाई के साथ जो दोस्तों धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई है। और दोस्तों 2018 की बात की जाए तो दोस्तों वरुण धवन ने दो रिलीज हुई सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर, शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली फिल्म सुई धग्गा, सरकार की नियमित सहयोगी की जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने एक लक्ष्मीहीन होटल प्रबंधक प्रशिक्षक दानिश और बालिया का किरदार निभाया है, जिसके बाद दोस्तों जीवन के कई
बदलाव बदलाव आते हैं, और जब उसका सहकर्मी कोमा में चला जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम वेदिकेट ने डैन का किरदार निभाने के लिए अपने स्टार स्वेगर और ट्रेडमार्क क्यूंटेंस को प्रभावित करने के लिए एक धवन की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम के लिए रोहित वत्स ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लिखा कि उनका हास्य जन्मजात है, लेकिन दोस्तों दर्द के बारे में उनकी सजा और यह मानव और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और दोस्तों वह सभी बेहतर हैं सुविधा गमे धवन और अनुष्का शर्मा के क्रॉस मौजी और ममता की अनुभूमिका निभाए, जो दोस्तों ग्रामीण भारत में एक नव विवाहित जोड़ा है, जो दोस्तों अपने छोटे पैमाने पर कपड़े का व्यवसाय शुरू करते हैं। और मिंटा की उद्यता झुनझुन वाला ने समीक्षा की थी। धवन ने एक असाधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खाका तैयार किए कर लिया है। वह दोस्तों मौसी में भी वैसे ही भोलापन लाते हैं, और भले ही वह आकर्षक होते हैं। अक्टूबर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। 2019 में दोस्तों वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीनिंग उपस्थिति अभिषेक वर्णन की प्रिय ड्रामा कद्दल कलंक में थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने पहली बार फिल्म भट्ट के साथ जो जोड़ा गया था। 1940 के दशक में भारत विभाजन से पहले पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया है। इस भूमिका की शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट में हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया है। हालांकि दोस्तों COVID-19 महामारी के कारण फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज को छोड़ दी गई थी और स्ट्रीमिंग की गई 25 दिसंबर 2020 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता वरुण धवन, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री सारा अली खान के साथ जोड़ी दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। सारा अली खान यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। पैदती परिवार में जन्मी वह अभिनेता अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास की और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद खान ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा केदारनाथ के साथ एक्शन कॉमेडी सिम्बा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वही दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने अभिनय डेब्यू 2018 में अभिषेक कपूर की रोमांटिक फिल्म केदारनाथ के साथ, जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की की भूमिका निभाई है, जिसे दोस्तों मुस्लिम कुल्ली से प्यार हो जाता है और जिसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। अपनी भूमिका की तैयारी में खान ने राजपूत की मदद से हिंदी शताब्दी के अपने ज्ञान में सुधार किया था। केदारनाथ को खान के प्रदर्शन की प्रशंसा किया गया था और मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने इसे 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों की पुनरावृत्ति के रूप में पाया था, लेकिन दोस्तों खान ने अभिनय की सराहना की थी, और जबकि उसका मुक्कु क्रोधित और आश्वासन हताश या उदासीन होता है, तो दोस्तों वह अक्सर इसे अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसे दोस्तों इसका स्वाद देती है, और यह
विविध चेहरे लिखा दिखा सकती है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना आयर ने इसी तरह उन्हें शानदार करार दिया था और केदारनाथ 1960 मिलियन यूएस 12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। खान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और बॉस के स्टार नवोदित कलाकार महिला के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ की रिलीज के कुछ 6 हफ्ते बाद खान ने रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिम्बा में अभिनय किया था, जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर 2015 पर आधारित थी। उन्होंने इस पर काम तब शुरू किया जब केदारनाथ का फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इसके चलते अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था। बाद में दोस्तों जब तक दोनों फिल्म के बीच अपना प्यार बांटने पर सहमत हुई तो दोस्तों उन्होंने अदालत के बाहर समझौते कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए रौनक कोटेचा ने कहा है कि खान के पास लुभावनी सुंदर दिखने अलावा करने के लिए बहुत कम काम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने और सिंह के बीच केमिस्ट्री नापसंद थी। दुनिया भर में 4 बिलियन यानी यूएस 50 मिलियन की कमाई के साथ सिम्बा 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। 2021 में दोस्तों अभिनेत्री सारा अली खान ने आनंद एल राय के नाटक अतरंगी में पोस्ट मेट्रामोटिक एसो और एस्ट्रोडेसर्टिक्स अवार्ड से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई थी, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष मुख्य भूमिका में थे, जिसका प्रीमियर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देरी के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। महामारी के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने उन्हें फिल्म के आत्मा कहा और उनके अभिनय रेंज और उनके बिहारी लहजे की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत मिंट के लिए उनकी अपनी समीक्षा में उदय भाटिया ने उनके बाहरी उच्चारण की आलोचना की है। खान की अगली रिलीज 2023 की गैस लाइट में थी, जो दोस्तों 36 दिनों में फिल्मांकन की गई थी और जो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। सैभव चटर्जी ने कहा कि उनका बाकी फिल्म की तरह गंभीर प्रदर्शन असमान है और निजता के लिए संघर्ष करने वाली रोमांटिक कॉमेडी थी और वन वेन की सोमिनी सेन ने उनके असंगत प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि दोस्तों वह मुख्य दृश्य में ओवर एक्टिंग करती है। यह 2020 की लव आजकल के बाद नाटक के रूप से रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म थी और उम्मीदों के विपरीत एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। खान की अगली बार अनपेक्षित एक्शन फिल्म अनुराग बसु की एंथोलॉजी फिल्म मेट्रो इन तीनों में अभिनय करेंगे और वह होमी अंदाजनिया की मॉडल और मुबारक में भी अभिनय करेगी। और दोस्तों बायोपिक का ए वतन मेरे वतन स्वतंत्रता सोनाली उषा मेहता का किरदार निभाएगी, जो दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई थी। 2019 में खान फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुई है और 57.5 मिलियन यानी दोस्तों यूएस 7,20,000 की अनुमति वार्षिक आय के साथ 66वें स्थान पर रही है। फिल्म की बात किया है दोस्तों, फिल्म कुल्ली नंबर वन मूवी की कथना की ओर नजर डाले तो दोस्तों पंडित जय किसान सारा रोजिया के लिए भाभी दूल्हे का परिवार लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके पिता
जेफरी को पता चला कि परिवार बहुत अमीर नहीं है, तो दोस्तों उन्होंने जय किशन का अपमान किया है। जय किशन जेफरी को उसके अहंकार को अभिमान के लिए सबक सिखाने का कसम खाता है और घर के रास्ते में जय किशन की मुलाकात रेलवे स्टेशन की कुल्ली राजू कुल्ली से होती है, जो दोस्तों गर्व से अपना बैच कुल्ली नंबर 1 का पहनता है। राजू का अपना साथी कुल्लिया के बीच वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों हाल ही में एक ड्रग डीलर महेश को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दोस्तों राजू सारा की तस्वीर को प्रभावित हो जाता है, तो दोस्तों जय किशन गरीब कुल्ली की साजिश सारा से रोकने और अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जय किशन के मार्गदर्शन और अपने दोस्त दीपक मैकेनिक के मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर राज प्रताप सिंह के रूप में पेश आता है और दोस्तों सारा का दिल जीत लेता है। इसी प्रतिक्रिया में सारा की बहन अंजू को दीपक से प्यार हो जाता है। जेफरी ने सारा की शादी राजू से करवा दी और बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक गरीब कुल्ली है। जब राजू शादी के बाद सारा के साथ घर लौटता है, तो दोस्तों वह दिखावा करता है कि उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी सहमति के बिना शादी करने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सारा राज को खुश करेगी करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ न बनाने की कोशिश करती है, जिसके उसे दोषी महसूस होता है। परेशानी तब दोगुना हो जाती है जब दोस्तों जेफरी अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है, और लेकिन दोस्तों रेलवे स्टेशन पर राजू कुल्ली के रूप में देखता है। जेफरी ने हंगामा मचाते हुए कहा कि राजू एक धोखेबाज है जिसने खुद को एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया है और दोस्तों उनकी बेटी से शादी की अनायास राजू जेफरी को न पहचानने का नाटक करता है और दोस्तों उसे दूर भगा देता है। राजू राज के वेश में घर आता है और बताता है कि जेफरी ने उसके जुड़वा भाई राजू को देखा होगा, जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण घर से निकाल दिया जाता है। जेफरी को यह कहानी पसंद आती है और वह अंजू की शादी राजू से करने के फैसला करती है, ताकि दोस्तों उसकी दोनों बेटियों गंदी अमीर जिंदगी जी सके। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों वह एक समय के केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। और दोस्तों ऐसी ही एक घटना राजू सारा और जेफरी रोजिया को कुंवर राज प्रताप सिंह की गुंडागर्दी की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करती है। इंस्पेक्टर जगदीप गोडबोले की स्थिति